जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये है सीआरपीएफ जो एनसीएम की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है उसके बारे में, क्योंकि ये वैकेंसी के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। यूट्यूब पे कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं, जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि इसकी डिटेल क्या है, ये कब ये वैकेंसी आ रही है, इसकी विज्ञप्ति आने वाली है और बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति आने वाली है। इसका क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के अच्छे से समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हल्का सा रिपीट दूंगा मैं इसमें इस वीडियो में। साथ में एक चीज़ आपको खास बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट का पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की गई है जो आपको शायद नहीं पता है और लोगों को नहीं पता है कि कौन सा इसका टेस्ट का जो पैटर्न है वो पता है। दोस्तों आप बहुत बड़ा नुकसान खा जाओगे, क्योंकि इसकी मेरिट ज़्यादा अप नहीं जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसकी मेरिट अप नहीं जाती है, मेरिट इसकी बहुत कम रहती है। आपको कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है, किन की तैयारी करनी है और कौन सा पैटर्न जो आपको यूज़ करना है, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न है, उसमें क्या नया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसकी तैयारी आपको 100% करनी है और उसकी तैयारी से क्या फ़ायदा होगा और उसकी तैयारी आपकी फ्री में हो जाएगी, आपको अलग से उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं नई वैकेंसी के साथ साथ उसकी तैयारी कैसे करें, उसमें क्या खास बात है, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसके बारे में मैं हर एक जितनी भी नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में इस चैनल पर देता रहूँगा। साथ ही कुछ दिन में मैं तो रीजनिंग की अच्छे से क्लास, मतलब बहुत ही शानदार रूप से क्लास शुरू करने वाला हूं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अब बात आती है कि एनसीएम की जो वैकेंसी, इसका जैसे मैंने सबसे पहले आपको मैं सिलेबस से बताता हूं, क्योंकि इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिलेबस। वैकेंसी तो आपको पता है कि इसकी वैकेंसी की जो विज्ञप्ति आने वाली है वो मैंने वीडियो में बना रखा है कि कब आने वाली है, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। अब मैं इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें वो बताने वाला हूं, तो आप अच्छे से इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों इसका जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस बहुत ही टेढ़ा है। टेढ़ा कैसे, इसमें जैसे मैंने बताया कि 225 नंबर के, इसमें 225 नंबर का ये पेपर होता है, ढाई घंटे का समय होता है। ढाई घंटे के समय के दौरान आपको 225 क्वेश्चन करने होते हैं, 225 क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन केवल इसमें 200 ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया 50 नंबर का रीजनिंग, 50 का मैथ, 50 का हिंदी या इंग्लिश और 50 नंबर का जीके, जीएस भी आता है। इसके अलावा इसमें जो 25 नंबर का जो मेन पार्ट मैं बताने वाला हूँ वो है 25 नंबर का जो इसमें पैसेज आपको लिखना है। इसमें आपको पता है एग्ज़ाम इसमें रिटर्न में भी आपको लिखना पड़ेगा अपने हाथ से। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ उसमें होता क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ऊपर वो उसी पेपर में रहेगा पैसेज, वो आपको नोट करना। उसमें आपका क्या चेक होगा, उसमें आपकी हैंड राइटिंग चेक होगी, एक्यूरेसी चेक होगी कि आप कितना वर्ड को सही लिख रहे हैं, किस वर्ड को कैसा लिख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ उसी पैसेज में से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर भी आपको उसी पेजेस में से ढूंढ के और इन राइटिंग लिखना होगा दोस्तों। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। ये शायद आप कहीं को नहीं पता कि इसके सिलेबस में ये भी इस बार ऐड किया गया, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसके जो पेसेज दिया जाएगा उस पेसेज में आपको इन राइटिंग करना है, अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है। एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना, उसमें एक्यूरेसी आपकी सबसे मोस्ट होती है कि वो चेक होती है एक्यूरेसी। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन होते हैं उसी पेसेज के, उनको इन राइटिंग आपको लिखने पड़ेंगे और ये 25 नंबर का होता है दोस्तों। 50-50 नंबर के वो चार पार्ट और 25 नंबर का ये पार्ट होता है। इसकी मेरिट लो जाने का रीज़न क्या है उस वो भी बता देता हूँ दोस्तों। इसकी मेरिट लो जाने का रीज़न ये होता है दोस्तों कि इसका जो टाइपिंग टेस्ट है, जैसे मैंने बताया कि हिंदी के लिए प्रति मिनट 30 वर्ड और इंग्लिश के लिए 25-35 वर्ड है। अधिकतर लोग क्या होते हैं कि टाइपिंग की तैयारी नहीं करते हैं, टाइपिंग की तैयारी करते हैं वो पेपर हो जाने के बाद में, उसके बाद में इसमें समय नहीं मिलता। आपको मैं बता दूं, जैसे आपका पेपर होता है उसके कुछ दिनों में आपसे टाइपिंग करवा ली जाती है, इसीलिए इसकी टाइपिंग, इसमें जो भी एनसीएम के मतलब पेपर देना चाहता है या जिसको सीआरपीएफ में हेड मिनिस्ट्रियल कांस्टेबल, सॉरी हेड मिनिस्ट्रियल जो हेड कांस्टेबल बनना है मिनिस्ट्रियल स्टाफ में, उसको टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए और उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी आपकी। इसीलिए इसकी मेरिट अप नहीं जाती, क्योंकि होता क्या कि लोग सोचते हैं कि पेपर कैसा होगा इस पर डिपेंड करेंगे और फिर टाइपिंग सीखिए। होता क्या कि पेपर उनका अच्छा हो जाता है और अगले 10 दिन या 15 दिन में इसकी टाइपिंग करवा लेते हैं और आप कर नहीं पाते। तो इसीलिए आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो अभी से आपको ताज़ा करनी पड़ेगी, अभी से अच्छी करनी पड़ेगी, अभी से आपको टाइपिंग साथ में लेके चलनी पड़ेगी अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो। ये बात विषय जाना। दूसरा इसका जो फिजिकल के बारे में मैंने बताया था, इसमें रनिंग नहीं होती, आपका हाइट वेट और चेस्ट चेक होता है, ओनली हाइट वेट और चेस्ट। आपका वेट में इसमें ओवर वेट के पॉइंट मिल सकता है, तो इसलिए वेट को भी आपको कंट्रोल करना, आपकी हाइट के अनुसार क्या वेट रहेगा इसके बारे में मैं आपको
एक दो दिन में इस पर पोस्ट डाल दूंगा, उस पोस्ट में आप जाके देख लेना मेरी पोस्ट जहाँ पे मैं डालता हूँ कम्युनिटी पोस्ट, उस पर डाल दूंगा इसका पूरा क्राइटेरिया अच्छे से लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगी कितनी हाइट के लिए कितना वेट चाहिए, उतना ही वेट होना चाहिए आपका, उससे अगर ज़्यादा वेट हुआ तो आप नुकसान खा जाओगे। दोस्तों इसका जो पेपर होता है उसमें जैसे कंप्यूटर का विशेष क्वेश्चन आते हैं, आपको कंप्यूटर की तैयारी विशेष करनी, साथ में जीएस जनरल साइंस भी आता है और जनरल जीके भी आता है, इसकी भी विशेष आपको तैयारी करनी है। मैथ रीजनिंग आती है मैंने बताया। अब इसके फिजिकल होता किस पूरी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आपका होता है फिजिकल, फिजिकल के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं पे चेक होंगे जिस समय आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में मैंने बता दिया रनिंग नहीं होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे मतलब मेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चलो मेडिकल की बात आएंगे तब बताते हैं। तो फिजिकल होगा, फिजिकल में जैसे आपका हाइट वेट टेस्ट होगा, रनिंग आपको 100 मीटर भी नहीं दौड़ा जाएगा। उसके बाद में आपका होगा पेपर, पेपर के जस्ट बाद में होगी आपकी टाइपिंग स्किल, टाइपिंग स्किल के बाद में आपका होगा मेडिकल। दोस्तों मेडिकल के लिए कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे को कि सर हमको जैसे कोई कबाई खाता है, मुझसे बोल नहीं पाता, कम बोलता है, उसको प्रॉब्लम होती है बोलने में, किसी के अगर हाथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, किसी की आँखों में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैं बता दूँ आप ज़रूर इसकी तैयारी करिए। इसके मेडिकल में कुछ छूटें होती है जो शायद आपको नहीं पता है, इसके मेडिकल में कुछ प्रकार की छूटें होती है जो शायद आपको नहीं पता है। आपका जैसे फ्लैट फुट है, आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, नोक नहीं है, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा इसका एनसीएम में। तो इस प्रकार की कुछ छूटें होती है जो आर्मी में, आर्मी के मेडिकल या सीआरपीएफ एसएसजीडी के मेडिकल में भी छूटें नहीं होती, जैसे हाथ वाली, थोड़ा सा बेंड वाली, फ्लैट फुट, उंगली टेढ़ी मेढ़ी पैर की, एसएसजीडी में पॉइंट दे देते हैं, या प्राइवेट पार्ट में किसी के पेनीज में या कुछ ऐसी प्रकार की छूट, तो उनमें थोड़ी सी इसमें मेडिकल छूट होती है। तो जिनका थोड़ा सा मेडिकल विकार है, जिनका थोड़ा सा मेडिकल में प्रॉब्लम है, वो भी 100% इसकी तैयारी करिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसके मेडिकल में कुछ प्रकार की छूटें होती है, तो आपको अच्छे से इसका मतलब उतना टफ मेडिकल नहीं होता जितना आर्मी का होता है, आर्मी से कम होता है, आर्मी के मेडिकल से कई ज़्यादा। जैसे आपके कान ये तो बिल्कुल चेक होंगे, कान होंगे, कलर विजन 100% चेक होता है, बाकी अगर आपके दांत कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर टीएनएस मतलब नाक में अगर कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर मान लो आपके नाक में टीएनएस है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टीएनएस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेडिकल में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा नाक में, या कुछ एक्स्ट्रा है, या आपका कोई दांत बाहर है, या कोई मतलब लिप ऊपर नीचे हैं, या उंगलियों में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, अंतर है, कहीं बैंड वेंड है कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके मेडिकल में। दोस्तों इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसकी तैयारी में आज ही जुट जाइए, और जो मैंने बताई खास बात इनका विशेष ध्यान रखें, इस प्रकार से आप तैयारी करें। इसकी विज्ञप्ति आपको जैसे बता दिया कि इसकी विज्ञप्ति फरवरी महीने में आने के सबसे ज़्यादा चांस है, फरवरी में इसके फॉर्म, मार्च में अप्लाई करोगे या फरवरी में अप्लाई करने का आपको मौका मिल जाएगा। दोस्तों फरवरी के सेकेंड वीक तक का बता रखा है, देखें इसकी विज्ञप्ति तब तक आ जानी चाहिए, तो आप तैयारी करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और बहुत ही अच्छी आपको जुड़े रहिए चैनल से, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।